नमस्ते सभी को। नमस्ते भानु भैया। जी भैया, क्या हम शुरू कर नमस्ते सकते हैं? नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी भैया, एकदम क्लियर है। जी, हम लोग आज 1900 दिन पर हैं और अभी तक जो मुख्य बातें हुई हैं वो तो सुख स्वभाव है या प्रभाव, उसको समझने का प्रयास हुआ है। सुख क्या है, समृद्धि क्या है, जो मानव का लक्ष्य है निरंतर सुख समृद्धि, उसको समझने की कोशिश की है हम लोगों ने। सुख के विभिन्न स्रोतों को भी समझने की कोशिश की है। उस क्रम में ये स्पष्ट हुआ है कि मानव सेल्फ और बॉडी दोनों के को एग्जिस्टेंस के रूप में है। बॉडी की लिए सुविधा की आवश्यकता है, वो सुविधा शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग को करने के अर्थ में आवश्यक है। मेरे सुखी होने के लिए मैं अपने को और अपने आसपास की वास्तविकताओं को, अर्थात सेल्फ स्वयं को, मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति और अस्तित्व को, दूसरे ढंग से कहूँ तो अपने से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को सही सही समझ लूँ और वैसा भाव विचार हो जाए, ये मेरे निरंतर सुखी होने का कार्यक्रम। जो सुविधा की आवश्यकता है, उसके उत्पादन का, उसके संरक्षण का और उसके सदुपयोग का, तो वो शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में, वो मेरे जीने का संपूर्ण कार्यक्रम नहीं, वो मेरे कार्यक्रम का एक चौथाई या उससे भी कम भाग है। तो मैं उसके लिए भी प्रयासरत रहूं जो शरीर के लिए आवश्यक है, साथ साथ जो मेरी आवश्यकता है निरंतर सुख, उसके लिए स्वयं से लेकर एंटायर एग्जिस्टेंस तक को सही सही समझना और वैसा अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना, ये मेरे जीने का एक कंप्लीट कार्यक्रम है, संपूर्ण कार्यक्रम। उस अर्थ में हम लोगों ने मानव को समझा तो ये बात स्पष्ट हुई कि मानव में जड़ और चैतन्य दोनों है। जड़ की आवश्यकता जड़ से चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी। चैतन्य को और डिटेल में हम लोग समझने का काम कर रहे थे, जिसमें ये बात स्पष्ट हुई कि चैतन्य में देखो, अपनी तरफ देखे तो वो अपने में चल रही क्रियाओं को भी देख सकता है, शरीर में जो चल रहा है उसको भी देख सकता है, शरीर से बाहर जो चल रहा है उसको भी देख सकता है। तो बाहर कोई आवाज आ रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई दृश्य दिख रहा है, दिमाग, कान, नाक, त्वचा, जीव, इन सब के माध्यम से बाहर की चीजों के बारे इनपुट ले लेते हैं, वो तो फिर सेल्फ देखता है। बाहर से नहीं ले रहे हैं, शरीर में कुछ चल रहा है, हालांकि शरीर भी सेल्फ के लिए तो बाहर की ही इकाई है, लेकिन नियरेस्ट है तो उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है शरीर में भी ना? तो शरीर में कहीं पर इचिंग हो रही है, कहीं पर कुछ टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, तमाम तरह की गतिविधियां शरीर में भी हो रही है, सेल्फ उसको भी रीड कर पाता है, उसको भी समझ पाता है। इन दोनों के बियॉन्ड भी हमारे भीतर बहुत कुछ चल रहा है। मैं गुस्सा होता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं खुश होता हूँ, उत्साहित होता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं आराम में हूँ, मुझे पता चलता है, मैं बेचैन हूँ, मुझे पता चलता है। और ये सबको पता लगने के लिए कोई बहुत सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करना, शरीर का प्रयोग करना कोई बिल्कुल जरूरी नहीं, सीधे सीधे सेल्फ उसको देख पाता है। जब मैं 1 आध घंटे अपने साथ बैठता हूँ तो बाहर की एक्टिविटी से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान फोकस करता हूँ, तो अपने भीतर चल रही बहुत सारे इस तरह के थॉट्स को, बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज को देख पाता हूँ, जिसको बहुत सारे लोगों ने इस अभ्यास पर साधन किया है। तो जो चल रहा है अपने भीतर, इसी को हम लोग इनिशियली कल्पनाशीलता कह रहे थे। और जब ध्यान देता हूँ तो ये कल्पनाशीलता निरंतर चलती हुई पाता हूँ, ध्यान देता हूँ तो देख पाता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ये चलता ही रहता हूँ। और ये कल्पनाशीलता ही मेरे सभी व्यवहार कार्य का आधार, अर्थात जो कुछ भी मैं अपने व्यवहार कार्य में बाहर व्यक्त कर रहा हूँ वो इस कल्पनाशीलता का ही कुछ छोटा सा भाग है जिसको मैं बाहर व्यक्त कर रहा हूँ। भीतर कल्पनाशीलता में तो और भी बहुत कुछ चल रहा है। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके देखे तो ये पता चला, ये जो कल्पनाशीलता है वो 3 सोर्सेस से निर्धारित हो रही है, या तो आने वाली संवेदना से, या मेरे अंदर बैठी मान्यता से,
या मेरी जो प्राकृतिक नेचुरल स्वीकृति है उसके आधार पर। फिर ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि अगर मान्यता या संवेदना के आधार पर कल्पनाशीलता चल रही है, तो उस कल्पनाशीलता में या उस पर होने वाले व्यवहार कार्य में व्यवस्था होगी या अव्यवस्था, ये कहा नहीं जा सकता। कभी व्यवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं हारमनी में हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो ये सहज स्वीकृति है उस पर आधारित कल्पनाशीलता को देखने जाती, तो उससे हारमनी ही होगी, व्यवस्था ही होगी। हार्मनी और इस व्यवस्था को ही सुख कह रहे हैं, एक्साइटमेंट और डिसहार्मनी को ही दुख कह रहे हैं। उस पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया। कल हम लोगों ने इसको और एक्सटेंड किया था कि कल्पनाशीलता को और बारीकी से देखा जाए तो इसमें इच्छा भी है, विचार भी है, आशा भी है। इच्छा अर्थात मैं कुछ हो जाऊं, विचार अर्थात जो मैं होना चाह रहा हूं वो कैसे होऊंगा, आशा अर्थात तो ऐसा होने में मेरे को कुछ सहयोग मिल जाए। तो इच्छा विचार आशा को भी अलग अलग करके हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखने का प्रयास किया। आगे ये प्रयास जारी रहेगा। हमारा जैसे जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं को देखने की अभ्यास बढ़ता जाएगा, इनको हम लोग अलग अलग करके देख पाएंगे। अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो बहुत बेचैन ना हो, हम लोग को इसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा आगे इस पर अभ्यास करने के लिए। कल हम लोगों ने ये 5 क्रियाएं और इंट्रोड्यूस की थी, चित्रण की क्रिया, विश्लेषण की क्रिया, तुलन की क्रिया, चयन और आस्वादन की क्रिया। तो इसको अगर देखने जाए तो अगर चयन और आस्वादन क्रिया को देखें, तो हमने कोई मिठाई खाई, तो मिठाई खा के हम मिठाई को भूल गए, दुकान को भूल गए, लेकिन उसका जो स्वाद है अगर देखें तो हमारे भीतर बना रहता है, उसी को कह रहे हैं आस्वादन। अगली बार उसी स्वाद के आधार पर अगर 10 मिठाइयां रखी हुई हैं, तो उस आस्वादन को मैच करने के लिए 10 में से किसी एक मिठाई का हम चयन करते हैं। तो ये जो चयन कर रहे हैं आगे बाहर कोई और गतिविधि करने के लिए, उसका आधार अब वो आस्वादन है जो हमारे भीतर बैठा है। तो ये स्वाद का भी आस्वादन हो सकता है, रूप का भी आस्वादन हो सकता है, गंध का भी आस्वादन हो सकता है, और सेंसरी ऑर्गन से आने वाले सभी इनपुट का आस्वादन हमारे भीतर हो सकता है, जिसके आधार पर हम चयन करते हैं। भाव का भी आस्वादन हो सकता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ सम्मान के भाव से प्रस्तुत होता है, कोई व्यक्ति आश्वस्ति के भाव से, विश्वास के भाव से प्रस्तुत होता है, कोई व्यक्ति अपमान के भाव से, कोई विरोध के भाव से। ये जो भी आस्वादन है भाव का, वो भी हमारे भीतर बैठा रहता है। अब किसके साथ हमको बैठना है, किसके साथ समय लगाना है, किसको इग्नोर करके चले जाना है, किसकी तरफ देखना ही नहीं, ये सब हमारा चयन है जो हमारे भीतर बैठे हुए आस्वादन के आधार पर हम कर रहे हैं। तो 2 तरह के आस्वादन, भाव मूलक आस्वादन, रुचि मूलक आस्वादन। रुचि जिसमें कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे जो संवेदनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड आस्वादन। दूसरा भाव में। तीसरा देखेंगे तो लक्ष्य मूलक आस्वादन भी है, ज्ञान का आस्वादन भी है। बाहर से कुछ ज्ञान चर्चा हो रही है अपने बारे, इंटायर एग्जिस्टेंस के बारे, उसमें कोई गहरी बातों पर ध्यान जा रहा है, उसका भी एक आस्वादन हमको होने लगता है। जब तक हम बाहर से उसको ले रहे हैं वो एक आस्वादन, हम उसको एक्सप्लोर करके अपने भीतर देख ले रहे हैं वो फिर नॉलेज है, वो फिर समझ है। तो देखने जाए तो ये तीनों तरह के आस्वादन को हम लोग करते रहते हैं और उसके आधार पर चयन करते रहते हैं। थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो सामान्यतः जो भी हमने चयन करके आस्वादन किया तो उसको और कर सकें, है ना, उसके लिए विश्लेषण कर सकते हैं या उससे और अधिक की चीजों पर भी विश्लेषण शुरू कर देते हैं। विश्लेषण का क्या मतलब है और तुलन का क्या मतलब है, अगर उसको देखें तो हमारे भीतर सामान्यतः तो 6 दृष्टि रहती है, लेकिन 3 दृष्टि ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। तो प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि। तो प्रिय मतलब ये जो सेंसरी ऑर्गन से जो इनपुट आ रहा है ना, या जो भाव के स्तर पे हमने अच्छा मान रखा है उसको प्रिय कह रहे हैं। हित का मतलब
कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर मजबूत रहे, बलशाली रहे, शरीर को केंद्र में रख के जो बांध रखे वो हित है। लाभ मतलब सुविधा को केंद्र में रखते, अर्थात अधिक से अधिक सुविधा हमारे पास एकत्रित हो सके। कम अभी जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कम है, उससे अधिक हो सके, तो ये लाभ की दृष्टि। लाभ को देखेंगे तो वो सामान्यतः सुविधा के इर्द गिर्द चल रहा होता है। प्रिय को देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन से आने वाले इनपुट के पे चल रहा होता है। हित को देखेंगे, शरीर केंद्रित चल रहा होता है। तो ये दृष्टियां हमारे भीतर काम कर रही होती है। तीन और दृष्टियां हैं, सत्य, न्याय, धर्म, जिस पर कभी और आगे बात करेंगे। तो छह दृष्टियां हमारे भीतर रहती हैं, जिसमें से तीन तो अभी प्रोमिनेंटली एक्टिव रहती हैं, अगर हम शरीर केंद्रित और सुविधा केंद्रित जीने के अभ्यस्त हैं। सत्य केंद्रित, न्याय केंद्रित है ना, जब जीने के अभ्यस्त होते जाते हैं तो न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि भी इन तीन दृष्टियों के साथ साथ हमारे भीतर एक्टिवेट होने लगती है, और वो भी हमारे विश्लेषण का आधार बनने लगती है। जब तक न्याय, धर्म और सत्य पर बहुत ध्यान नहीं गया है, बहुत उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई है, शरीर केंद्रित और सुविधा केंद्रित जीने का हमारा अभ्यास है, तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि हमारे भीतर काम करती रहती है और उस पर आधारित हम विश्लेषण करते रहते हैं। उस पर आधारित विश्लेषण करने का आशय ये जो प्रिय का दृष्टि है वो कैसे पूरा हो, उसके लिए विकल्प जनरेट करता, ये वाला खाऊं कि वो वाला खाऊं, ये गाना सुनूं कि वो वाला गाना सुनूं, ये वाली जगह घूमने जाऊं कि वो वाली जगह घूमने जाऊं, इस तरह के बहुत सारे प्रिय हित लाभ केंद्रित में विकल्प जनरेट करता रहता हूँ। तो ये जो विकल्प जनरेट कर रहा हूं उसके लिए ये विश्लेषण है। इमेजिन की क्रिया पे भी बात हुई थी कि मैं सुखी हो जाऊं, उसका हमारे भीतर अपने आप में हमने या तो समझ के आधार पर या मान्यता के आधार पर कुछ इमेजिन बना रखी है, ऐसी जिंदगी हो तो सुखमय है, ऐसी जिंदगी ना हो तो दुखमय है। तो मान्यता आधारित भी हो सकता है, समझ आधारित भी हो सकता है। मैं समृद्ध हो जाऊं, उसके बारे में कुछ इमेजिंग अपने अंदर बना रखे हैं, या तो समझ के आधार पर, सामान्यता आधारित। समझ के आधार पर जिसको बोल रहे हैं वो सहज स्वीकृति आधारित है, बिना जांचे जिसको मान लिया है वो मान्यता आधारित है। इस तरह से बहुत सारे इमेजिंग हमने अपने भीतर बिठा रखे हैं, बनाते ही रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए तुलन विश्लेषण करते रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए चयन आस्वादन करते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन में चलता ही रहता है। कभी कभी उसमें से कुछ हिस्सा बाहर व्यवहार और कार्य में हम दूसरे मानव और शेष प्रकृति के साथ व्यक्त करते हैं, और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सेंसेशन मिलता है, उसको फिर वापस चयन आस्वादन करते हैं, उस पर तुलन विश्लेषण करते हैं, फिर वो इमेजिन पूरा हुआ कि नहीं उसको देखते हैं, और ये क्रिया हमारे भीतर चलती है। तो ये सब पर हम समय के साथ और बारीकी से ध्यान देंगे, धीरे धीरे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। मेरे पास अभी लगभग 3 महीने से ऊपर का समय है, वैसे भी आप देखने जाइए तो एक छोटा सा कंप्यूटर का भी कोर्स करते हैं हम लोग जब, तो कंप्यूटर में अगर थोड़ा ठीक से समझना है तो बीटेक एमटेक ठीक अगर करते हैं तो 6 साल लगते हैं। ये तो सेल्फ को समझने की बात हो रही है, ये कंप्यूटर से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यूनिट, कहीं ज्यादा सूक्ष्म यूनिट, इसको समझने के लिए और स्पष्टता और तीव्रता और जो है बारीकी से देखने की जरूरत पड़ती है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको और सूक्ष्म मुद्दों पर डिस्कशन को लेके जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ कुछ अभ्यास आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप सब लोग उसको रोज अपने ऊपर ध्यान देने का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसके सूक्ष्म क्रियाओं को अपने भीतर देख सके। इसी क्रम में कल कुछ अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया गया था, तो उसपे जुड़े हुए आप लोगों के जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैं एक एक करके आप लोगों की बातों को हम लोग सुनेंगे, उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो हाँ प्रणाम भैया। भैया मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये था कि पूरे कल्पनाशीलता में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनने के बाद
उस प्रोग्राम को अपने पूरे कल्पनाशीलता में विचार भाव और मतलब आशा पे इच्छा विचार आशा पे करते हैं, और उसके लिए हम काफी समय से प्रोग्राम भी बना रहते हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए जितने भी संभव विकल्प हम अपने दिमाग में चला पाते हैं वो सबको देखने के बावजूद भी यदि किसी एक क्षण म्यूचुअलशिप में थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं चल रहा होता है, तो कल मैंने इस बात को अपने अंदर ऑब्जर्व किया कि तब जो हमारे अंदर असहजता हो रही है उसको हम कैसे सेटल करें। उदाहरण के लिए कहिए तो मैं डिटेल थोड़ा और दूं भैया। मैं तो प्रश्न आपका समझ गया। मैं एक बार आपसे के प्रश्न बता देता हूँ, आप बताइए मैं ठीक समझा हूँ कि नहीं, तो फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा। हम कोई प्रोग्राम कल्पनाशीलता में चलाते हैं ना, चलाकर कुछ चीजें तय करते हैं, फिर उसको बाहर लोगों के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करने जाते हैं। तो जी परस्परता में जिन लोगों के साथ उसका एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, उधर से अपेक्षित परिणाम नहीं आते या अपेक्षित पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, उससे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसको हाँ, जो कैसे थोड़ी सी असहजता आप बन रही है प्राप्त उसको कैसे दूर करें। भाई, तो पहले तो अपने को ये स्पष्ट होना आवश्यक है कि उस असहजता का कारण क्या है। दूसरे लोग जो अपेक्षित पार्टिसिपेशन या अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा वो है ना, या हमने उससे है ना, वो जो दूसरे लोग हैं जो कर रहे हैं है ना, उससे कुछ उससे जो सुखी होने का है ना वो लगा रखा है, तो इसको आप कहाँ रखेंगे? स्वभाव से सुखी होने की प्रक्रिया में रखेंगे या प्रभाव से सुखी होने की प्रक्रिया में रखेंगे? रखने का प्रयास तो स्वभाव में ही करते हैं भैया। हाँ, लेकिन बाहर से जो मिल जाए उससे आप सुखी हो जाए, ये प्रभाव में आएगा, स्वभाव में आएगा? हाँ, ये मतलब ध्यान से देखें तो प्रभाव में ही चला जाता है। यदि स्वभाव में आ पाए तो फिर दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी, तो उसी स्थिति में आपको ये दिख जाए है ना कि सामने वाले व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसके आधार पर ही वो पार्टिसिपेशन कर पाएगा, तो हमने उसके साथ कोई प्रोग्राम अपनी कल्पनाशीलता में बनाकर उसके एग्जीक्यूशन में उसके हिस्से को, उसकी भागीदारी को तय किया। लेकिन अगर उसकी योग्यता उतनी नहीं है, उसकी स्थिति इतनी उस समय कंफर्टेबल नहीं है कि वो उसमें उतना भागीदारी कर सके, तो वो नहीं कर पाएगा। तो अगर हमको अपने में क्लियर है कि दूसरा उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी योग्यता है या जितना उसके साथ जो परिस्थिति बन रही है उसके साथ वो कर पाएगा, ये दोनों के बारे हमको स्पष्टता है, तो फिर हम बेचैन नहीं होते। हमको पता चलता है कि वो कहीं अटक रहा है, या तो परिस्थिति बस, या उसमें जो संस्कार चल रहे हैं, कल्पनाशीलता चल रहा है उसके बस। और उसको यहाँ पर देखेंगे जो अभी सामने आपके डायग्राम है स्क्रीन पर, तो हम कुछ ना, हमने कुछ इमेजिन किया कि जी ऐसा करेंगे तो हम और वो सुखी हो सकते हैं, ये इमेजिन था। उस पे हमने कोई दृष्टि बनाई कि हम दोनों ऐसा करेंगे तो दोनों को लाभ होगा, हम दोनों ऐसा करेंगे तो दोनों का हित सधेगा, हम दोनों ऐसा करेंगे तो दोनों को प्रिय की संवेदनाएं मिलेंगी, ऐसा फिर उस इमेजिन के साथ हमारी कोई दृष्टि जुड़ी हुई थी। उस दृष्टि के आधार पर आपने अपनी कल्पनाशीलता में बहुत सारे विकल्प फैलाए, ये कर लेते हैं, नहीं वो कर लेते हैं, नहीं वो कर लेते हैं, ये सब आप कर रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं। वो जी सारे विकल्प आपने अपने भीतर तुलन विश्लेषण में फैला लिए, फिर आपके अंदर जो आस्वादन बैठा था उसके आधार पर उनमें से किसी एक का चयन किए कि ये वाला ठीक है, इसको करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे और शायद वो भी सुखी हो जाए। इतना सारा मेहनत आपने अपने भीतर किया, जो आपको पता है उसको नहीं पता है। नहीं भैया, यहाँ पे स्थिति ये है कि हमें भी पता है और उसे भी पता है, और उस जी, पता तो उसके होने में आधार मतलब हम पर, जी जी उसके आधार पर जो ये भीतर चला, अगर दोनों को पता है तो भी उसको बाहर आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया, आपने भी मिलकर के है ना, तो एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर कुछ परिस्थितियों में बदलाव, फिर उसको आपने सेंसरी ऑर्गन से अपने रिसीव किया, चयन किया उसका, और अपने अंदर बैठे हुए आस्वादन से मैच जो आस्वादन से मैच किया, थोड़ा मैच हुआ, थोड़ा नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ उस पर विश्लेषण शुरू किया है ना, उस पर तुलन की जो दृष्टि थी उसके साथ उसको देखना शुरू किया, फिर उसके साथ ये देखना शुरू किया कि जो आपने इमेज बना रखा था, इमेजिन कर रखा था अपने भीतर, वो पूरा होता हुआ उससे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
पूरा होता हुआ दिखता है तो आपकी एक स्थिति बनती है, नहीं दिखता है तो आप बेचैन होने लगते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर ये जो ऊपर की क्रियाएं हैं जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको अभी यहाँ पर सहज स्वीकृति कह रहे हैं, है जी भैया। ना, तो ये सहज स्वीकृति पर हमारा ध्यान चला जाए, उसके आधार पर हमारा इमेजिंग निश्चित हो जाए, उसके आधार पर हमारा विश्लेषण तुलन और चयन आस्वादन हो जाए, तो हमारी ये जो पीले ब्लॉक में क्रियाएं हैं उसमें हार्मनी हो जाए। हाँ ये ठीक बात है भैया। और सहज स्वीकृति में हम अपने अंदर जो मतलब बराबर एक्सप्लोरेशन में चिंतन बोध और अनुभव को भी हम थोड़ा सा लेके भी चल रहे हैं, तो उन अनुभव के साथ भी जो हम क्रियान्वयन कर पा रहे हैं लेकिन बोध चिंतन और अनुभव अनुभव को। पर अभी चूंकि बात नहीं हुई है भैया, इसलिए मैं अभी यहाँ ओपन नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक तीन है ठीक है मिलाकर मैं सहज स्वीकृति शब्द ही कह रहा हूँ और इतनी बात ही कर रहा हूँ जितना ओपन हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक बात है वहां। लेकिन मैं मेरा बस छोटा सा प्रश्न ये था कि इन परिस्थितियों में जो हमारी कल्पनाशीलता में भैया चल रहा होता है और जो एक थोड़ी ही देर के लिए हमारे अंदर असहजता जो बनती है उसको अपने अंदर हम कैसे सेटल करें, हम थोड़ा सा इसको और ओपन अप कर उस दें। समय थोड़ा हाँ सजग हो जाए, उस समय सजग हो जाए प्रोग्राम बनाते समय ही कि हाँ मैं प्रोग्राम तो बना रहा हूँ लेकिन अपने अंदर स्वभाव के आधार पर सुखी होकर तब इस प्रोग्राम उस अपने आधार पर जो मेरा सहज स्वीकृत भाव है उसको अपने भीतर सुनिश्चित करके सुखी होते हुए बाहर कुछ भागीदारी करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, या प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करके कुछ परिस्थितियों में बदलाव आएगा उसका आस्वादन करके सुखी होने का प्रोग्राम बना रहा है, वो अपने विचार के भीतर स्तर अगर पे क्लियर सारा हो। विवेचन करने के बाद, विचार के स्तर पे सारा विवेचन करने के बाद, उदाहरण ये था कि मेरी माताजी वाराणसी से गाजियाबाद आ रही थी। उदाहरण को भी रहने देते हैं, मुख्य मुद्दे पर अच्छा बात करते हैं। जी 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 उदाहरण जी से जी हाँ, तो उसमें हमको जैसे कॉलेज भी ज्वाइन करना है, कल एग्जाम भी था, उन सारे जितने भी परमुटेशन कम्बिनेशन को विचार में फैलाया, कल्पनाशीलता में, इच्छा विचार आशा में भी उसको जी देखा, और देखने के बाद उसको उस ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सुबह 4 बजे से उठ करके अपना हिंदी और इंग्लिश सेशन भी किया, और उस प्रक्रिया में जब ट्रेन आ रही है तो उसको भी उसको पूरी तरह से किया। लेकिन उसमें पूरी तरह से अपना ध्यान इस बात पे था कि हमारे अंदर असहजता ना हो, सारे चीजों को स्मूथली कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैंने अपने अंदर ये ऑब्जर्व किया भैया कि कल के क्लास के बाद कि थोड़ी देर के लिए जो मैं असहज हुआ बाहर के कारण से, तो उसको हम अपने अंदर कैसे ठीक पर कर पाएंगे। मेरा मतलब फोकस इस बात पे कल गया और मैंने फिर एग्जाम ड्यूटी में भी 3 घंटा मैंने पूरा अपने इस बात पे विवेचन किया और पूरे कॉपी पे लिखा कि कल मतलब 18 की घटना है, 19 तारीख को भैया जब सुबह मॉर्निंग के सेशन में आएंगे तो मैं भैया से ये प्रश्न थोड़ा सा पूछने की इच्छा रखूंगा। पूरा 3 घंटे भी इस पे विचार किया, मंथन किया कि ये असहजता कैसे ठीक कर पाऊं मैं। अभी जितना मैं चर्चा किया उससे कुछ ध्यान गया नहीं क्या? हाँ बिल्कुल गया, ध्यान गया, काफी हद तक ध्यान गया भैया। तो इस इनपुट के साथ एक बार और उसको देखने की कोशिश करिए, आगे फिर और इस पर चर्चा करेंगे। अवश्य भैया, अवश्य अवश्य भैया जी। नमस्कार भैया। हाँ जी हाँ भैया, नमस्ते सबसे भैया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सहजता से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा जो सेकंड सेशन है जिसको मैं अटेंड कर रही हूँ, तो मैंने जनवरी से ही जो है अटेंड करना शुरू करा था। पहले मैं इंग्लिश वाला सेशन अटेंड करती थी जनवरी ऑनवर्ड्स, बट अभी आपका लेक्चर सुनने के बाद मैं हिंदी वाले पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि मेरा हिंदी का मिस ना हो। तो आप बहुत ही अच्छे से, ऐसे लगता है जैसे हमारे मन के अंदर की ही बात हो रही है। और इस सेशन से, जनवरी ऑनवर्ड से, मुझे जो अभी लेटेस्ट हेल्प हुई है उसमें ये हुआ है कि पहले मुझे 1 घंटा अपने साथ बैठना थोड़ा मुश्किल लगता था, अब मैं काफी दिनों से, रेदर 10 दिन से, मैं उसको बड़ी सहजता से कर पाती हूँ कि मेरे को 1 घंटा बैठना मुश्किल नहीं लगता। और अपने आप ही सुबह नींद भी खुल जाती है बिना अलार्म के ही, जितने बजे का भी मैं सोच लूं। अगर मैं कभी सोचती हूँ मैं अपना प्लान, डे का प्लान के अकॉर्डिंगली, कि मैं 4:30 उठूंगी या 5 बजे उठूंगी या 4 बजे उठूंगी, तो उससे थोड़े मिनट पहले मेरी अपने आप ही नींद खुल जाती है और मैं बैठ भी पाती हूँ और मेरे को उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है जो, मतलब, मुश्किल नहीं लगता है। जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, अपनी कल्पनाशीलता में देखती हूँ,
तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कल्पनाशीलता में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल एक मंकी की तरह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मैं उछलती रहती हूँ अपने विचारों में। लेकिन उन विचारों को ऑब्जर्व करते करते मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे उन सबके पीछे एक और कमेंट्री चलती है, बट उस कमेंट्री ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट का मैच की तरह लगातार कमेंट्री चली चल रही है, और कोई बोल रहा है, और जो भी वो चल रही है कमेंट्री, उसका भी आपस में जहाँ मेरी जिंदगी के पहलुओं से, जो मेरी पास्ट की जिंदगी रही है, जहाँ जो अभी चल रहा है, उन पहलुओं से कोई भी तालमेल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, बट मुझे अपने ही अंदर कुछ ऐसी आवाज और ऐसी निरंतरता में कुछ चलती हुई कमेंट्री फील होती है। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। एक और पॉइंट बहुत है कि मैं ज्यादातर थोड़ा सा अपने इसको बिहेवियर, इसको मैं एक बार हो कर दूं, थोड़ा सा इस पर इनपुट दे दूं, फिर अगला पॉइंट सुन लेंगे आपका। ठीक है भैया। जी तो देखेंगे दीदी, तो हम सब लोग जब भी अपने कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो दो भाग उसमें देख पाते हैं। एक तो जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ अर्थात जैसी मेरी इच्छा विचार और आशा चल रही है, अर्थात मेरी कल्पनाशीलता जैसा चल रहा है, वो एक। दूसरा भाग जो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है। ये दोनों एक ही जैसा हो हर समय वो जरूरी नहीं है। कल्पनाशीलता में बदलाव होता रहता है, इच्छा विचार आशा के कॉम्बिनेशन में जो कल्पनाशीलता चल रहा है, लेकिन सहज स्वीकृति हमारी निश्चित और स्थिर बनी रहती है ना। तो ये जो दो भाग आप अपने तरफ, आपको जो एक संभावना दिख रही है, ये वो दो भाग होता है। तो जब भी हमारी ये कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति के अनुरूप चलती है तो हम अपने अंदर एक हार्मनी, एक आराम, एक सुख महसूस करते हैं। हमारी सहज स्वीकृति कुछ और है, हमारी इच्छा विचार आशा में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके से अलाइन नहीं है, तो हम अपने अंदर एक कंट्राडिक्शन महसूस करते हैं, अंतर विरोध महसूस करते हैं, डिसहार्मनी महसूस करते हैं, उसी को दुख कह रहे हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में भी अगर आप देख रही होंगी तो इसमें दो पार्ट दिखाया गया है, जो येलो एरिया है और दूसरा जो कि उसके ठीक ऊपर एक शेडेड एरिया है ना, जिसको अभी मैंने ओपन नहीं किया है। तो सहज जी स्वीकृति को जब ओपन करेंगे आगे चल के चर्चा में, तो जो शेडेड एरिया है वो दिखाई देगा, जिसमें एक निश्चितता है, एक स्थिरता है, निरंतरता है ना। लेकिन ये जो येलो एरिया है, ये संवेदना से भी, मान्यता से भी, ये दोनों जगह से भी ऑपरेटिव हो सकता है, इसलिए ये फ्लोटिंग रहता है, इसमें बहुत कुछ चलता रहता है जो हमारी सहज स्वीकृति के अनुरूप भी होता है, नहीं भी होता है। लेकिन हम उसको, ये ऊपर का जो सेडेड क्रियाएं हैं जिस पर आगे अभी बात करेंगे, वो भी हमारे भीतर चलती रहती है। तो हमको दिखता है कि हमारे भीतर ही ये दो भाग चल रहे हैं, एक जो ये वाला येलो एरिया है और एक जो अपने भीतर ये बना हुआ है। तो इस पर और आगे डिटेल बात करेंगे दीदी। ये अच्छी स्थिति है कि आप इस दोनों भाग को ऑब्जर्व कर पा रही हैं, और हम लोग धीरे धीरे जब ये जो दूसरा वाला भाग है जिसको आपके अंदर वो आप महसूस करती हैं, उसको भी धीरे धीरे ओपन अप करेंगे। जी ठीक है भैया। बताएं बताएं। भैया एक छोटा सा मेरा और ऑब्जर्वेशन थी, मैं ज्यादातर अपने बिहेवियर में सहज ही रहती हूँ भी, मतलब बहुत कम जो है जल्दी से रिएक्ट करती हूँ, बट मैं ये भी ऑब्जर्व करती हूँ कि जो भी रिएक्शन वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है मेरी जो ठीक नहीं है, जो मुझे ठीक नहीं लगते, ठीक है, तो उसपे मेरे को कई बार अब ऐसे लगता है कि जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई बार 2 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद, कई बार 3 महीने बाद, आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप, मुझे ऐसे लगता है कि कई बार मेरे को जब फिर गुस्सा आता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आता है, बताता एक टाइम गैप के बाद है, लेकिन उस गुस्से में भी, अगर मैं गुस्से में भी होती हूँ और सेकंड पार्टी को कन्वे कर रही होती हूँ, तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे क्लियर होता है कि यहाँ पर मैं गुस्सा छोटी बात पे कर रही हूँ, आज उतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन पहले जो हुआ था वो चीजें भी मेरे अंदर घूमती रहती हैं, क्यों ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा आपसे इनपुट चाहती थी ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। जी दीदी, तो एक तो उनको अवधि हो गई है कि बाहर बहुत रिएक्शन कर देने से कोई बहुत व्यवस्था तो बनती नहीं है। मैं भी क्योस में जाती हूँ, सामने वाला भी क्योस में जाता है, फिर पलट के मेरे लिए और क्योस ही खड़ा होता है। तो इसलिए हाँ ये जी तो मान्यता इवेलुएट हो गई है कि रिएक्शन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको जितना रोक सके उतना अच्छा है। तो ये तो काम उपलब्धि के तौर पर हो गया है। लेकिन ये बाहर जो रिएक्शन होना बंद हो गया है, भीतर रिएक्शन चालू है वैसे ही।
तो भले हम बाहर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कल्पनाशीलता में तो रिएक्शन चल ही रहा है। उसने कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना था, है ना? तो चूंकि मैंने निर्णय ले रखा है कि बाहर इस तरह का रिएक्शन नहीं करना है, इसलिए उसको कोई उत्तर नहीं दे रही हूँ, नहीं तो अभी बता दिया होता मैंने। तो आप देखेंगे तो इस तरह के लगभग मिलते जुलते कल्पनाशीलता में अपने चलता रहता है, जिसको कह रहे हैं रिएक्शन इन साइड। आउटसाइड रिएक्शन हमने रोक लिया है ड्यू टू सर्टेन जो भी हमने डिसीजन लिया है, बट इन साइड रिएक्शन वो चलता रहता है हफ्तों महीनों, और भीतर बिल्डअप होता रहता है। तो जब तक हम उसको रोक पाते हैं रोक लेते हैं, फिर कोई छोटी सी चिंगारी होती है, भीतर तो आग जली रहा होता है, हम विस्फोट की तरह फैल जाते हैं, है ना? इसलिए ये रिएक्शन आउटसाइड भी सहज स्थिति आपको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, रिएक्शन इनसाइड भी स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार है? तो रिस्पॉन्स में जीना। रिस्पॉन्स में जीने का क्या आशय है? कि बाहर जो भी स्थिति परिस्थिति हो रही है उसको हम ठीक से देख लें कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी मान्यता और संवेदना से ऑपरेटेड उस समय उसकी कल्पनाशीलता चल रही है, जो कि गलत भी हो सकती है मान्यता, उससे आधारित कुछ कल्पनाशीलता चला रहा है, इसलिए कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो अपनी सहज स्वीकृति को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसकी कल्पनाशीलता व्यवस्थित नहीं है, इसलिए खुद में डिसहार्मनी में है और बाहर डिसहार्मनी फैला रहा है। इतना अगर हम अपने भीतर देख पाते हैं तो उस आदमी के लिए बहुत विरोध का भाव नहीं आता कि भाई प्रॉब्लम आदमी में नहीं, प्रॉब्लम तो मात्र उसकी मान्यताओं में है जो उसने अपने सहज स्वीकृति के आधार पर जांची नहीं है। अगर उसी आदमी का ध्यान किसी तरह से उसके मान्यता से हटके सहज स्वीकृति पे चला जाए और उसके आधार पर अपनी मान्यताओं को ठीक कर सके, तो उसकी कल्पनाशीलता भी व्यवस्थित हो जाती है और वो मेरे साथ व्यवस्था में जी पाता है। क्योंकि जब मैं अपने पर इस काम को कर रही हूँ तो महीनों लग रहा है मुझे, वर्षों लग रहा है इसको ठीक से करने में, वो भी शुरू करेगा तो एक यात्रा उसको भी लगेगी, लेकिन इन मीन वाइल ये सब छुटपुट ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। तो जिस तरह से मेरे से कई बार रिएक्शन हो जाता है, मेरी कल्पनाशीलता में क्योस हो जाता है, उसके बाद भी मैं अपने को स्वीकारे रहता हूँ, उसी तरह से उसको भी देख पाता हूँ कि उसकी कल्पनाशीलता भी अभी सहज स्वीकृति को देख कर व्यवस्थित नहीं हुई है, है ना? वो भी क्योस में है। तो हम उसके क्योस के साथ ही स्वीकारे रहते हैं कि हम दोनों की कल्पनाशीलता अभी सहज स्वीकृति के आधार पर पूरी तरह अलाइन नहीं हुई है, हम दोनों उस यात्रा में हैं, तो जितना स्पेस हम अपने को दे रहे हैं उतना उसको दे रहे हैं, वो कैसे इसमें व्यवस्थित हो जाए, उसका ध्यान कैसे उस पर चला जाए, उसमें जो सहयोग मेरा बन पड़ता है वो मैं अपने लिए भी करता हूँ उसके लिए भी करता हूँ, इसी को कह रहे हैं रिस्पॉन्स। तो ये तीनों ही स्थिति में हम धीरे धीरे गति करते हैं, रिएक्शन आउटसाइड से रिएक्शन इनसाइड में, फिर दोनों जगह से ऊपर उठ के रिस्पॉन्स में। ये रिस्पॉन्स भी हर बार हम बाहर करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन भीतर तो कर ले। भीतर रिस्पॉन्स कर लेने से हमारे भीतर की जल रही आग शांत हो जाती है कि भाई ये इशू है। फिर जब सामने वाला सुनने की स्थिति में होता है, सामने वाला इनपुट लेने की स्थिति में होता है, तो रिस्पॉन्स को बाहर करते हैं, लेकिन हम अपने भीतर तो रिएक्शन इनसाइड की जगह रिस्पॉन्स इनसाइड ठीक से कर लें। ये प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया पर हम लोग गति कर सके उसके लिए सारी चर्चा कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कि धीरे धीरे सहज स्वीकृति हमारे ध्यान में आ जाए। और उसको और ओपन किए थे कल कि वो सहज स्वीकृति को देखे तो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में, विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में मान्यताएं हो सकती है, उसको आगे और एक्सपेंड करेंगे जब B1 ब्लॉक को ओपन करेंगे दीदी। तो अभी मैं आपके दूसरे प्रश्न के संदर्भ में इतनी बात कहना चाहता हूँ। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, आपने दोबारा से मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया। हालांकि ये चीज हम सुनते हैं रोज ही, आप किसी ना किसी माध्यम से, आप या कुमार भैया इसी बात की चर्चा करते हैं, बट फिर भी जब कैटेगोरिकली हमें दोबारा दोबारा से ये चीजें याद कराई जाती हैं तो शायद हम उनकी तरफ और अच्छे से देख पाएंगे। शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, हम सबको ही बार बार याद एक दूसरे को दिलाकर अपनी गति को आगे बढ़ाने का सहयोग करते रहना है ना? नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को। भैया दीदी, नमस्ते, बताइए। एक बात जो कही गई थी कि हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो कौन से दुकान से खाते हैं, कब खाए थे, भूल सकते हैं लेकिन उसका मेमोरी रह जाता है। तो अभी तक तो साइंस बुक्स बोलते हैं कि ब्रेन में वो मेमोरी रहता है, तो क्या हम ऐसे इसको समझ सकते हैं
रसगुल्ला का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो अनचेंजेबल है, उसके लिए उसका एक टेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन में जरूर रहता होगा, या तो करेला का। लेकिन मेरा रसगुल्ला के प्रति की करेला के प्रति जो अच्छा लगना बुरा लगना, अभी नहीं खाना, अभी मन नहीं है, बाद में ठीक लगता है, ये जो है ये मेरा जो डिसीजन है, तो उसी में हम लोग एक सेल्फ का एग्जिस्टेंस का भी महसूस होता है। ऐसा है क्या भैया कि जो डिस्क्रिप्टिव जजमेंट है वो ब्रेन में जो बॉडी में रहता ही है, लेकिन जो वैल्यू जजमेंट है वो हम ही लोग करते रहते हैं, एंड दैट्स द सेल्फ हु डज इट। ये ठीक है भैया ऐसा सोचना? उस पर थोड़ा सा एक इनपुट और ऐड कर दूंगा कि हमने बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देखा, खाया, सूंघा, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रियों से उस ऑब्जेक्ट का इनपुट लिया, रसगुल्ला हो या कोई भी चीज हो, उसका हमारे शरीर पर एक प्रभाव पड़ता है, संवेदना हलचल मचती है, संवेदना जो है उससे उसका इनपुट हमारे ब्रेन तक जाता है। तो जो भी मैंने रसगुल्ला खाया उससे जो जीभ की मेरी ने जो इंद्रियां हैं उस पर कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ हलचल मची, और वो जो हलचल है, वो जो एक्टिविटी हो रही है, उसका सिग्नल मेरे ब्रेन तक गया। तो वहां तक तो ब्रेन में कुछ ना कुछ उसका रोल है, उससे स्टोरेज होगा, उससे जुड़ी हुई उसका जो भी गतिविधि। लेकिन इस तरह का जो हलचल है ना, अर्थात इस तरह की जो संवेदना आ रही है, ये उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह की संवेदना में मुझे खराब लग रहा है, ये वाला जो वो है सूचना है, ये तो सेल्फ में है। लेकिन जो रसगुल्ला खा रहे हैं उसका जो आकार है, उसका जो उसमें जो चीनी मीठा है कम है, इस तरह का बहुत सारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जुड़े हुए कुछ जो भी हलचल हो रहे हैं वो ब्रेन तक आ रहे हैं, तो ब्रेन का भी निश्चित तौर पे रोल है उसमें, वो चीजें स्टोर होती हैं, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, है ना? ये वाला भाग मेरे आस्वादन में स्टोर होता है जो कि मेरे सेल्फ का भाग, ब्रेन तक तो वो वैसे ही आता है। इतनी बात है, देखो। जी भैया जी, नमस्ते भैया, थैंक यू। नमस्ते। ठीक, तो हम लोगों ने अभी सेल्फ के बारे, B2 ब्लॉक के बारे, इसको येलो एरिया को हम लोग B2 ब्लॉक कहते हैं, जस्ट एक नाम है इसका हम लोगों ने रखा, ताकि आगे कंबाइंड रूप से चित्रण विश्लेषण तुलन आस्वादन की क्रिया को हम लोग किसी नाम से कह सके, तो उसको B2 ब्लॉक बोलते हैं। तो आगे से हम लोग इस ब्लॉक को B2 ब्लॉक बोला करेंगे, तो आप उसको डिकोड कर लेंगे अपनी कल्पनाशीलता में कि किन क्रियाओं के सेट के बारे बात हो रही है। ये जो फ्लोटिंग हमारे अंदर चलती रहती है, चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन और तुलन, उसको कंबाइंड रूप से हम लोग B2 ब्लॉक बोल रहे। तो अभी देखेंगे तो ये B2 ब्लॉक को ही अभी तक कल्पनाशीलता बोल रहे थे, और ये कल्पनाशीलता या तो मान्यता से या संवेदना से या सहज स्वीकृति से, तीनों में से किसी से भी ये ऑपरेटिव होता रहता है। जब भी ये मान्यता या संवेदना से होता है हमारे भीतर, है ना, हारमोनी हो ये जरूरी नहीं, जब भी यह सहज स्वीकृति से होता है हम हार्मनी में ही होंगे ये निश्चित रहता है। तो अभी जो भी चर्चा हम लोगों ने चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन को लेकर के किया, हम लोग अगले 5-7 मिनट उसको अपने भीतर रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और 5-7 मिनट का जो भी निष्कर्ष होगा उस पर अगले 10 मिनट पे चर्चा करेंगे। तो मैं अगले 5-7 मिनट आप लोगों को ऑब्जर्व करने का अवसर दूंगा, हम अपनी कल्पनाशीलता को, इस B2 ब्लॉक को ऑब्जर्व करें, जो कुछ भी उसमें चल रहा है उसमें ध्यान दें कि कब चयन हो रहा है, कब आस्वादन हो रहा है, तुलन की दृष्टि क्या है, विश्लेषण में विकल्प क्या जनरेट कर रहा है, चित्रण क्या चल रहा है, और ये सारा कंबाइंड रूप से इसका सोर्स संवेदना है, मान्यता है या सहज स्वीकृति है, इसको अपने भीतर अगले 5-7 मिनट हम लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आप एक जगह स्थिर होकर बैठ के इसको कर सके तो और अच्छा है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो चलते फिरते भी इसको करने की कोशिश अवश्य करें। तो अभी 5-7 मिनट एक साथ करते हैं, उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।
दिन में भी कभी आप एक बार बैठ कर इसको जरूर करें। तो मैं अगले 5 मिनट के लिए चुप रहूंगा, 5-7 मिनट हम सब इसको अपने भीतर व्यक्त करते हैं। तो हम लोग अब अपने ऑब्जर्वेशंस को शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, जो कि 5-7 मिनट आपने ऑब्जर्व किया। उसमें जो भी आपके प्रश्न बने या जो भी बात महत्वपूर्ण ध्यान में आई उसको शेयर करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। फिर हम लोग एक एक करके आपके ऑब्जर्वेशन और प्रश्न को सुने। तो हमने से जिन भी लोगों के नमस्ते भैया, नमस्ते टू ऑल को एक्सप्लोर। भैया, जो भी हम सोर्स ऑफ इमेजिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं उसमें क्या ये भी हो सकता है कि तीनों सोर्स इकट्ठे ही आ रहे हों एक ही इमेजिनेशन में? जैसे कई बार ऐसे होता है कि कुछ सोर्स, कुछ इमेजिनेशन होती है कि सेंसेशन से आ रही हैं, कुछ प्रीकंडीशनिंग से, और कुछ नेचुरली एक्सेप्टेड आ रहे हैं, जैसे रिलेटेडनेस टू सी विद अदर ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारी फीलिंग आ रही है। तो ये तीनों एक साथ भी आ सकती हैं इमेजिनेशन में? आ ही सकते हैं भैया, आ ही सकते हैं। बस लेकिन ठीक है, उसमें यह कहना पड़ेगा कि वो जो मान्यता है हमारी कि वे सबके साथ स्वीकृति के भाव से जिए, उसको मान्यता इसलिए कह रहे हैं कि वो है तो सही, सहज स्वीकार हमको, लेकिन हमने जांच के नहीं देखा है इसलिए उसको सहज स्वीकार नहीं कह पा रहे। अन्यथा वो मान्यता हमको सहज स्वीकार है इसलिए कह रहे हैं कि वो मान्यता और सहज स्वीकृति साथ साथ आ रही है, लेकिन जांच के देख लिए हैं तो अब वो मान्यता नहीं रही, अब वो सहज स्वीकृति। ठीक है भाई, शुक्रिया। लाली यस नगर तो से भैया हूँ, अभी, यस नमस्ते सभी को, सभी भैया आपको भी नमस्ते। अभी मैं 5 मिनट अभी जब नमस्ते। भी मैं बैठा तो मैं गार्डन में बैठा था, तो उसमें मुझे काफ़ी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे सहज स्वीकृति के हिसाब से मैंने उसको लिया, उसको सुना, अच्छा लगा। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी सुबह बैठा हूँ तो बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी, तो उसका भी मैंने, उसका स्पर्श मुझे अच्छा लगा, तो उसको भी मैंने नेचुरल एक्सटेंस उसके हिसाब से मैंने लिया। बीच में किसी ने कुछ अपने किसी ने कुछ बताया, तो तब मेरा कुछ भाव थोड़ा शायद विरोध का आ गया, क्यों अभी अभी तो हमारा खाली ध्यान में बैठे हुए हैं हम, तो क्यों कोई बोल रहा है, तो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस लगा, तो मेरा थोड़ा विरोध का भाव आया, तो भी मैं देख पाया। तो मेरा ये दूसरा ही है, मैंने जनवरी में चालू किया था, तब मैं कुछ विचारों वगैरह में कुछ मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार मुझे कुछ कर पाया कि मेरा ये भाव अभी विरोध का भाव बना है, मेरा ये नेचुरल एक्सपीरियंस मेरा बना है, तो थोड़ा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, तो बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतना मेरा शेयरिंग था। अस्तु, बहुत बढ़िया भैया, अच्छी बात है कि हम भीतर की तरफ गति कर पा रहे हैं और सूक्ष्म क्रियाओं को देख पा रहे हैं। इसको और सूक्ष्मता से देखेंगे तो भाव बिगड़ा तो भाव स्तर पर हुआ परिवर्तन भी आप महसूस कर पाए। दूसरा देखेंगे तो बाहर हमको एक तरह के है ना टेम्परेचर के आस्वादन का आप अपने में बना हुआ है, वैसा बाहर से मिल रहा है तो एक तरह की स्थिति बन रही है, नहीं मिल रहा है तो दूसरे तरह की स्थिति बन रही है। चिड़िया की आवाज हमने सुनी तो एक साउंड है उसका हमने आस्वादन किया, एक तरह के आस्वादन का हमने अपने अंदर सेट कर रखा है, वैसा अगर आवाज आ रहा है जिसका हमने चयन किया है तो हमारी एक स्थिति बनती है। तो हम धीरे धीरे इसको और सूक्ष्मता के साथ अपने भीतर देखने का प्रयास किया जा रह सकता है, जहां पर तक आप पहुंच गए हैं वहां से अगला कदम ये है, और उसको देख पाएंगे तो फिर उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं उसको देखने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि। छोटा उदाहरण दो, हम रेस्टोरेंट गए, वहां पर अब हम खाने का ऑर्डर करने के लिए मेनू को खोल कर देख रहे हैं तो प्रिय की दृष्टि है तो कौन सा स्वाद हमको पिछली बार अच्छा लगा था, कौन सा संवेदना, कौन सा स्वाद अच्छा लगा था, उस दृष्टि से डिश का सिलेक्शन करने के, डिश को उसमें से ढूंढने लगते हैं किसको ऑर्डर करें। अगर हित की दृष्टि काम कर रही है तो उस पूरे मेनू में कौन सा मेरे शरीर के लिए हितकारी है, किससे मेरा स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा, ऐसे डिशेस को ढूंढना आप शुरू करते हैं विश्लेषण। और लाभ की दृष्टि से जब आप देख रहे होते हैं तो वहां पर किसका खाना, किसका
किसमें ज्यादा मिलेगा, कम पैसा पे करना पड़ेगा, वो पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, फिर उसको मिलते जुलते उसमें मैच आप विकल्प में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना। ऐसे आस्वादन को भी देख सकते हैं अपने भीतर, कुछ आस्वादन हमारे अंदर पहले से बैठा हुआ है, इस तरह का साउंड, इस तरह का टेम्परेचर, इस तरह की हवा, और वैसा बाहर से चयन होके जब मैं लेता हूँ तो अपने में एक कंफर्टेबल स्थिति महसूस करता हूँ, पर कई बार वैसा नहीं मिलता है तो अपने कंफर्टेबल भी महसूस करता हूँ। पर इन सब को लेकर अपने सुख से किसी न किसी रूप में मैं जोड़ रखा हूँ, तो इमेजिन की एक्टिविटी भी हमारे भीतर है, वो बैकग्राउंड में तो काम कर ही रही है, सभी तुलन विश्लेषण और चयन आस्वादन के। तो जहां तक आप यात्रा किए हैं पिछले 6 महीने में, वो एक सुखद यात्रा है, और बारीकी से हम आप ध्यान देंगे तो हम लोग और अंदर ज्यादा गति कर पाएंगे। बढ़िया यात्रा है भैया, ओके। यस बढ़िया बढ़िया भैया भैया बढ़िया भैया। बस मैं आपने जो भी बताया ना कि जो हम मैं अभी जो प्रिय हित लाभ वाली दृष्टि, तो तीनों को साथ में रख के अभी ये ध्यान में आया हुआ है। पिछले 2-3 साल से मैं जुड़ा हुआ, तो अभी क्या वो तीनों की मतलब साथ में लेके, प्रिय तो होता ही है लेकिन प्रिय में हम हित भी देखते हैं कि मेरे अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, और पैसे का भी देख लेते हैं। तो तीनों दृष्टि साथ में लेके चलते हैं अभी, और इसी तरह से हमारा जो भी विश्लेषण करके चयन होता है तो मैं देख पा रहा हूँ ये सब कुछ मेरे में चल रहा है। और अभी मेरी दृष्टि में तीनों दृष्टि आई है, तो वहां से मैं आगे कैसे जा पाऊँ न्याय धर्म सत्य के, वही मेरा आगे का प्रयास रहेगा। शुक्रिया भैया। जी जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया, जैसे आपने अभी ऑब्जर्वेशन करने के लिए बताया, या मैंने इससे पहले भी नोट किया है, जब भी आप बोलते हैं सेशन में और वो 5 मिनट 10 मिनट में लगाने की कोशिश करती हूँ, उस टाइम पे जब मैं अपने को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि चलो अभी मुझे बैठना है और ऑब्जर्वेशन करना है, तो उस टाइम मैं ना थोड़ा कॉशियस हो जाती हूँ या कुछ अलर्ट हो जाती हूँ, और इतना जो नेचुरली ऑब्जर्वेशन होना है वो नहीं हुआ हो रहा होता है, ऐसे मुझे थोड़ा महसूस होता है। और जब मैं कुछ अपने को बोल नहीं रही हूँ, कुछ काम करते करते हुए क्या चल रहा है अपने में, इंस्ट्रक्शन नहीं दी है अपने को, बट काम करते करते मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है, तो काफी वहां पे एक नेचुरल फ्लो में मैं देख पा रही हूँ, ऐसे मुझे लगता है। और अपनी स्थिति को और अच्छी तरह से वहां पे मैं पकड़ या समझने की भी कोशिश कर पा रही हूँ, ऐसे मुझे लगता है। ये एक ऑब्जर्वेशन रखना था जी भैया। तो बस एक इसको भी कि अभी हम बैठे हैं ये भी एक काम है, बैठ भी रहे हैं तो ये भी एक काम है, बॉडी को रिलैक्स देना भी एक काम है, बाहरी गतिविधियों से अपने को ना थोड़ी देर के लिए वो कर लेना, उससे रोक लेना भी एक काम है। तो उसको भी एक काम की तरह, जैसे बाकी काम कर रहे हैं आप उसके तरह देखेंगे तो ये जो कॉशियस हो जा रहे हैं ये वाला भाग खत्म हो जाएगा, और बहुत सहजता से जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप कई बार लगा रहे होते हैं कि नहीं ये सब रोक के हमको अभी और डेप्थ में चले जाना है, उसके कारण कई बार बाधा खड़ी होती है क्योंकि हम असहज होकर अपने भीतर देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार जो भी हमारी सहजता है उसको बनाए होते हुए इसको देखने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान और ज्यादा डेप्थ में जा पाएंगे। तो अच्छा है उसको जारी रखें, देर सवेर हम लोग उसको और कंफर्टेबल होकर कर ही पाएंगे। जी 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 भैया, मैं ये करके देखती हूँ आपने जैसे बोला। जी थैंक यू। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया आज जब अभी हम 5 मिनट के लिए बैठे थे शांत होके, तो मुझे कल की घटना याद आई। कल मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ गया हुआ था, तो बड़ी बहन से इस समय थोड़ा सा मेरा बन नहीं रह पाया ड्यू टू सम रीजन। तो दीदी का पैर छूने के लिए गए, तो जब दीदी पैर छूने के लिए गए तो मन में जैसे जो मोह होता है उसी हिसाब से मैंने कहा कि आशीर्वाद का आदेश देना, नहीं तो पैर नहीं फिर तुम्हारा छूएंगे। तो उस टाइम में फिर उनका पैर छुए बाहर चले आए, फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुख प्रभाव है, इस तरफ मैं गया हूँ, और जिसकी वजह से अंदर अपने आप को भी से कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी लगी कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सुख स्वभाव है। और आपको जैसे जब हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अपना इंटेंसन कॉम्पिटेंसी और दीदी की इंटेंशन कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे सोच के ही कोई भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन तो उनका भी साउंड है मेरा भी साउंड है, तो जो भी अंतर हो सकता है, तो अगर उनकी कॉम्पिटेंसी में कमी है तो हो सकता है कि मेरी भी कॉम्पिटेंसी में कमी थी कल, मतलब उस टाइम में, तभी हम थोड़ा सा रिएक्ट कर गए। तो फिर हम शाम को उनके पास गए वापस, और इस गलती को मैंने अपने अपने मानसिक लेवल पे सही किया, चेंज किया,
और अपने सुख को हम बनाए रखें। तो इस बात पे मेरी आज ध्यान गया और वही मैं शेयर करना चाह रहा था। जी जी भैया, भैया, छोटी छोटी उपलब्धियां भी अपने को बहुत अंदर तक गति करने में सहायक होती हैं। तो छोटी छोटी उपलब्धियों को भी ध्यान देते देख पाते हैं कि दूसरे से भाव पाकर सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं और अपने में समझ के आधार पर अपने भाव को सुनिश्चित करके सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप देख पाए। उसको और बारीकी से देखेंगे तो ये दिखता है कि हम एक तो रुचि मूलक है ना आस्वादन करते रहते हैं, अर्थात जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से आने वाला इनपुट जो अच्छा लगता है शब्द स्पर्श रूप रस का, भाव का भी आस्वादन करते रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमको जिन भावों को अच्छा मान रखा है वो मिलता रहता है, तो उनके पास अधिक समय लगाने का है ना, उनके पास अधिक समय तक रुकने का, बार बार मिलने का कोई ना कोई हम अवसर बनाते रहते हैं, किसी न किसी बहाने उनका संपर्क है ना उनके पास जाने का प्रयास करते रहते हैं। और जहां से ये सब हमारी जो अपेक्षित भाव है आस्वादन में जो ठीक हमने भाव को बांध रखा है वो नहीं मिलता, वहां से हम पास नहीं जाते, वहां से दूर हटने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो प्रभाव से सुखी होने वाला प्रयास है उसको बारीकी से देखेंगे तो इस ढंग से दिखेगा, और थोड़ा अंदर जाके देखेंगे तो ये दिखेगा उसके पीछे कोई ना कोई तुलन की दृष्टि काम कर रही है, प्रिय के हित की लाभ की, तो कहीं पर वो हमारे प्रिय चीजों में बाधा बना रहता है ना, कहीं हमारे हित में बाधा बना है ऐसा हमने मान लिया होता है, कहीं हमारे लाभ में वो बाधा बना है ऐसा हम मान लिए होते हैं या वो हमारे बारे मान लिया होता है, इससे हम दोनों ने अपने अपने भाव या तो खराब कर लिए होते हैं या दोनों में से किसी एक ने, तो वो भी दिखाई देता है धीरे धीरे अपने को, है ना। तो ये दिखाई देता है कि हमने अपने सुख के बारे कुछ इमेजिन कर रखा है, उसने कर रखा है, और हम दोनों ही एक दूसरे के सुख के इमेजिन में बाधा के रूप में देख रहे हैं या दोनों में से कोई एक, उसके कारण इस तरह का भाव में व्यतिरेक पैदा होता रहता है। अब ये सारा का सारा जो अपने भीतर छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है धीरे धीरे उस पर ध्यान जाएगा और हम ज्यादा और गति कर पाएंगे। तो बढ़िया है भैया, अच्छा आपका धन्यवाद ऑब्जर्वेशन है जी। तो धन्यवाद भैया। समय हो चला है, तो प्रिया दीदी आज की चर्चा को कंक्लूड कर लें।